सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऐप बताने वाला हूँ जिससे आप बना सकते हो 3D गेम्स और उसको कन्वर्ट कर सकते हो एपीके में, जिसको आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में। इनफैक्ट आप इसको प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर सकते हो एंड इससे आप अर्निंग भी कर सकते हो। सो गाइस वो कौन सा ऐप है जिसे आप गेम बना के एपीके में कन्वर्ट कर सकते हो, उस ऐप का नाम क्या है, उस ऐप से गेम कैसे बनाना है, उसको यूज कैसे करना है एंड उस ऐप से आप एपीके में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो अपने बनाए गए गेम को, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यार ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको और भी ऐसे गेम मेकिंग एप्स चाहिए जिनकी मदद से आप बना सकते हो गेम्स, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसे ही गेम मेकिंग एप्स के बारे में वीडियो डालूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस मैं आ चुका हूं उसी ऐप पे जिसका नाम है इट्स मैजिक। तो गाइस आपको गेम क्रिएट कैसे करना है उसके लिए आपको देखो कोने पे एक बटन दिख रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट का, आपको सिंपली उस पे क्लिक कर देना है। तो फटाफट से मैं क्लिक कर देता हूं न्यू प्रोजेक्ट पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको चार ऑप्शन दिखेंगे। आपको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है एम्प्टी वाला, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका कोई प्रोजेक्ट का नाम दे देना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ZA यूट्यूब लाइव नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डोंट पैनिक, यानी कि आपको पैनिक नहीं होना है। इसमें आपको बस थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड आपकी जो वर्ल्ड है वो जनरेट हो जाएगी, यानी आपका जो गेम है जो गेम बनाने का मेन जो वर्ल्ड है वो जनरेट हो जाएगी जहाँ पर आप अपना मेन गेम बना सकते हो। सो थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद यहाँ पर ये वर्ल्ड जनरेट हो जाएगी। जब तक यहाँ पर हो रही है तब तक आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। सो गाइस थोड़ी देर बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपका जो एम्प्टी वर्ल्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको ये टेक्स्ट डिलीट करना है। तो आपको सामने देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें नजर आ रही होगी, आपको सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डस्टबिन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके टिक कर देना तो आपका जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी चीज डिलीट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो और भी चीजें यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे पहले से एक बॉल दी हुई है, यानी एक स्पेयर दिया हुआ है, यानी गोल सा एक बॉल टाइप कुछ ऑब्जेक्ट है तो आपको वो दिया हुआ है, तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ गाइस अगर आप खुद का अपना ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट पे एक क्यूब बनी होगी, उसके बाद प्लस लिखा होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3D ऑब्जेक्ट पे जाना है एंड यहाँ पर आपको स्फीयर या कोई भी आपको जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो वो आ चुका है एंड मैं और भी ले सकता हूँ, लाइक मैं 3D ऑब्जेक्ट पे जाके क्यूब ले लूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्यूब पे क्लिक करता हूँ तो एक क्यूब आ गया। क्यूब का आप साइज भी कस्टमाइज कर सकते हो, आपको सिंपली देखो ऊपर टूल दिख रहे होंगे, आपको यहाँ से रोटेट और साइज को भी बड़ा छोटा कर सकते हो। मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैं बना दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा देखो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो कुछ इस तरीके का हमारा प्लेटफॉर्म है। एंड गाइस जो हमारा स्फीयर है इसको हम लोग सिंपली ड्रैग करके इधर ले आएंगे, जहां पे भी आपको चाहिए वहां पे आप लगा सकते हो। मैंने इसको इधर लगा दिया है तो मैं इसको इधर ही लगा रहा, तो आप जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ गाइस इसमें आप कैमरा भी ऐड कर सकते हो, लाइक आपको किस एंगल पे आपका गेम जो है रिकॉर्ड होगा, मतलब किस एंगल पे आपका गेम जो है खेलने को मिलेगा जब आप गेम प्ले करोगे। तो यहाँ पे कैमरा मैंने ऐड कर लिया है और यहाँ पर कैमरे को आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपका कैमरा है एंड इसको आप अपने मर्जी से रोटेट भी कर सकते हो, ड्रैग भी कर सकते हो एंड बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऊपर टूल्स, मिल जाएंगे तीन टूल्स जो कि होंगे ड्रैगिंग के, रोटेटिंग के और स्केलिंग के। तो यहाँ पे मेरे को बस ये वाला एंगल सही लग रहा है तो मैं ज्यादा रोटेट वगैरह तो नहीं करूंगा। सो गाइस यहाँ पर आप इसको फिजिक्स भी दे सकते हो, यानी मैं यहाँ पर स्फीयर पे जाऊंगा और यहाँ पर फिजिक्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा, ये स्टैटिक बॉडी है या तो फिर फोर्स फील्ड कैरेक्टर है, तो हमारा ये कैरेक्टर है तो मैं इसको कैरेक्टर बॉडी कर दूंगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर बॉडी पे टिक कर दूंगा, उसके बाद बैक आ जाऊंगा। तो बैक आने के बाद ये हमारा जो कैरेक्टर होगा, ठीक है, हम लोग जब भी कुछ करने वाले कैरेक्टर के साथ तो हमारा जो असर होगा वो इस स्फीयर पे होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं गेम ऑन ऑफ कर सकता हूँ, इधर पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेम चलाने के और बंद करने के, ठीक है। सो गाइस अब मैं बताऊंगा कि गाइस यहाँ पर आप इसको रंग कैसे दे सकते हो, यानी गाइस पे कलरिंग कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको जो भी ऑब्जेक्ट पे आपको कलरिंग करनी है आपको सिंपली वो वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। लाइक मेरे को यहाँ पर अभी स्फीयर पे कलरिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, स्फीयर को सिलेक्ट कर लूंगा या तो गाइस मैं यहाँ पर क्यूब पे कर लेता हूँ, क्यूब को सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे जो मॉडल रेंडर ऐसे कुछ लिख रहा होगा आपको वहां पे जाना है, यहाँ पे नीचे मटेरियल वाला ऑप्शन है आपको सिंपली वहां जाना है। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कलर और टेक्सचर के ऑप्शन, तो मैं कलरिंग कर देता हूँ, ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म लूंगा तो यहाँ पर ग्रीन कलर हमारा आ चुका है। एंड जो हमारा स्फीयर है इसको हम रेड कलर देंगे, तो सिंपली यहाँ पे स्फीयर पे मैं सिलेक्ट करूंगा एंड जैसे मैंने क्यूब के साथ किया था वैसे इधर भी करूंगा, मटेरियल पे क्लिक करूंगा एंड नीचे जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिख गया कलर का ऑप्शन, आपको सिंपली रेड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसको ऊपर कर देना एंड यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो कलरिंग हो चुकी है, अब यहाँ पे टेक्सचर भी आप देख सकते हो, टेक्सचर कैसे दोगे, तो टेक्सचर मैं दूंगा प्लेटफॉर्म पे,
तो सिंपली मैं क्यूब को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना वैसे ही, और टेक्सचर पे जाना। टेक्सचर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना फाइल देख लेना किस फाइल पे आपका टेक्सचर, जो मेरा फाइल पे है, और यहाँ पर टेक्सचर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको भी इधर ही मिलेगा, तो आप भी सिंपली इधर जाके यहाँ पर टेक्सचर लगा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्सचर मेरे को मिल चुका है, मैंने यहाँ पर लगा दिया। सो बहुत ही ओपी से टेक्सचर है अपना, एकदम मतलब जो है ग्रास वाली फीलिंग आ रही है। सो ये हमारा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आप मॉडल्स भी अपना खुद का लगा सकते हो, यानी कि आप खुद का अपना मॉडल लगा सकते हो। वो कैसे लगाओगे, वो आप बना सकते हो प्रिज्मा 3D से, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां पर आप जाके अपना खुद का मॉडल बना सकते हो, यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो फटाफट से चलते प्रिज्मा 3D पे एंड बनाते एक अच्छा सा मॉडल। सो गाइस मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ जैसे इंटरफेस। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं क्यूब सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, एंड मैं चाहूँ तो इसको वेथ को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो फटाफट से मैं वेथ को भी इंक्रीज करता हूँ, एंड जो इसको एकदम मतलब स्क्वायर शेप का बना देता हूँ। तो फटाफट से क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी लेंथ को और सही कर लेता हूँ, परफेक्ट हो गई। एंड यहाँ पे वेथ को भी अपन थोड़ी सी वो कर देते हैं इंक्रीज, और यहाँ पे देखो नीचे से हमारी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा, इसको थोड़ी सी कम कर देंगे। और जो मॉडल है वो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं एक चेयर का मॉडल बनाने जा रहा हूँ। तो फटाफट से कुर्सी का मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो, यहाँ पे मैं मॉडलिंग वाले ऑप्शन पे देखो चौथे नंबर पे आ चुका हूँ इधर पे, और यहाँ पर मैं इस पेन टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पे कट लगाने वाला हूँ। जहाँ जहाँ भी आपको कुछ वर्क करना है वहाँ पे आप कट लगा दो। यहाँ पर इसको इंक्रीज कर सकते हो, एक बटन है टेबल का, देख सकते हो आपको वहाँ पर टेबल का बटन दिख जाएगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, जो चीज़ आपको बाहर निकालनी है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का, तो यार वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो फटाफट से वीडियो करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। सो गाइस हमारा मॉडल तो तैयार हो गया, अब हम लोग इसको कलरिंग करेंगे। तो आपको सिंपली कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको कोई भी कलर दे देना है। तो मैं यहाँ पे ब्राउन कलर दूंगा, क्योंकि यार वुडन की लकड़ी है, तो वुडन का कलर हम देने के लिए ब्राउन दे देंगे। एंड ये हमारा मॉडल हो चुका है तैयार, ठीक है। मैंने इतना ज्यादा इस पर अच्छा सा काम नहीं करा, बट ठीक है गाइस ओपी लग रहा है। सो गाइस अब इसको करते हैं सेव। सेव के लिए आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। तो प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे नाम दे दिया चेयर, क्योंकि हमारा चेयर का मॉडल है, तो हम लोग चेयर नाम दे देंगे। सेव कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइल में मतलब अपनी मोबाइल में सेव करने के लिए आपको सिंपली एक्सपोर्ट वाला जो बटन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको अपना जो भी फाइल है जहाँ पे भी आपको सेव करना है वो आपको वहाँ पे जाना है, और यहाँ पर आपको उसको सेव कर लेना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे ओबीपी में सेव करना है, तो मैं ओबीपी पे टिक करूंगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हो, वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। बाकी इसको इम्पोर्ट करने के लिए आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। मेरा 10 नहीं है, सो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, बट आप यूट्यूब पे यहाँ पर ट्यूटोरियल चेक कर सकते हो इसको इम्पोर्ट कैसे करना है। सो आपको मैं एक और चीज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है यू आई डेपरेक पे और क्लिक करना है जॉयस्टिक पे। तो यहाँ पर आपका एक जॉयस्टिक का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप यहाँ पर ड्रैग करके आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी सेट कर सकते हो। बट इसका यूज क्या है, मतलब इसका यूज है हमारे गेम में, यानी जब गेम हमारा स्टार्ट होगा तो हमें जॉयस्टिक भी देखने को मिल जाएगी, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने कैरेक्टर को मूव करने के लिए। बट गाइस अभी यहाँ पर कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह तो कुछ हुई नहीं है, तो ये जॉयस्टिक अभी फालतू है। बट गाइस यहाँ पर आप कुछ स्क्रिप्ट का यूज करके इसको यूज कर सकते हो अपने कैरेक्टर के थ्रू, तो बहुत ही ज्यादा ओपी यहाँ पर जॉयस्टिक हमारी बन चुकी है। तो इस गेम में आप जॉयस्टिक भी बना सकते हो। सो गाइस हमारा बटन तो लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट कैसे लगानी है, तो आपको सिंपली फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको फाइल ही पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ठीक है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। एंड यहाँ पर आपको न्यू पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद फोल्डर बना लेना, न्यू फोल्डर। सो न्यू फोल्डर का हम लोग नाम रख देंगे स्क्रिप्ट, इसके अंदर हमारी स्क्रिप्ट वगैरह होगी, तो यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद इसको डन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग वापस से इसको बंद करके खोलेंगे ताकि रिफ्रेश रहे। उसके नीचे देखो स्क्रिप्ट का आपका फोल्डर दिख रहा होगा, उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। एंड यहाँ पर आपको न्यू पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद आपको स्क्रिप्ट पे जाना है, और यहाँ पर आपको नॉट स्किप पे लिख देना। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट नॉट स्किप आसान होती है, ड्रैगन ड्रॉप होती तो वो ज़्यादा अच्छी। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ स्क्रिप्ट और डन कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे आप इसको बंद करके खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। आपको सिंपली इस पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है स्क्रिप्टिंग वाले टैब में, और यहाँ पर देख सकते हो आपको दुनिया भर की स्क्रिप्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये स्क्रिप्ट वगैरह तो आपको सीखने में टाइम लग सकता है, तो इसको आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल चेक कर सकते हो किस तरह की हमारी स्क्रिप्ट होने वाली, कैसे यूज करना है। सो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत हार्ड है, भाई इससे हम क्या कर पाएंगे, इससे हम कुछ बना ही नहीं पाएंगे, आप चाहो तो स्क्रिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे मिल जाएगी मार्केट प्लेस, जहाँ से आप स्क्रिप्ट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ, एंड कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो आपके यहाँ पे देखो एक एरो दिख रहा होगा एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है मार्केट प्लेस पे। आपको दिख रहा होगा थर्ड ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा मार्केट प्लेस वाले टैब में जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है स्क्रिप्ट। तो फटाफट से लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली उधर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गोइंग ऑन दिख रहा होगा, यानी लोडिंग, उसके बाद
यहाँ पर आप देख सकते हो आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, आपको दुनिया भर की स्क्रिप्ट मिल जाएगी, जिस तरीके का आपको गेम बनाना उस तरीके की आप स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो रैंडम वर्ल्ड जनरेटर, यानी कि आपको ट्रेन कैसे जनरेट करनी है आगे जा जाके जैसे माइनक्राफ्ट में होती है, उस तरह की भी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। नीचे आप देख सकते हो बहुत तरीके की आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, सो आप कोई सी भी स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर साथ ही साथ आप मॉडल्स भी डाउनलोड कर सकते हो, यानी गाइस अगर आपको कोई कार मॉडल चाहिए, प्लेन का भी मॉडल चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो फटाफट से मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। सो गाइस मेरे को अभी प्लेन का मॉडल चाहिए तो मैं सिंपली प्लेन सर्च करूंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्लेन का भी मॉडल दिख जाएगा। तो ज्यादा मॉडल तो नहीं है, तीन है, बट ठीक है गाइस तीन बहुत सही है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अपनी वर्ल्ड में इम्पोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको खरीद रहा हूँ और यहाँ पे कन्फर्म कर दिया मैंने इसको खरीद लिया, अब मैं इसको वर्ल्ड में भी इम्पोर्ट करता हूँ। बट इसके लिए आपको कॉइन्स देने पड़ेंगे और कॉइन्स कैसे कमाने वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपको चले जाना है यहाँ पर अर्न कॉइन्स पे, और यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे कॉइन्स अर्न करने के तरीके, वो भी एड्स देख के। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एड मिल जाएगी। एड आपको मिलेगी 5 सेकंड की, तो यार बहुत ही ज्यादा कम है, यानी 20-22 सेकंड की नहीं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड का आपको एड देखना है एंड सिंपली आपको उसको क्लोज कर देना है एंड आपको मिल जाएंगे 5 कॉइन्स। और यहाँ पर देख सकते हो मेरे को यहाँ पर 5 कॉइन मिल चुके। सो इस तरीके का आप कर सकते हो, सारी एड आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 ऑप्शन है और हर 22 सेकंड बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा। बाकी के आपको यहाँ पर असली पैसे देने पड़ेंगे जो कि सही नहीं है, बाकी यहाँ पर एड वाला बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। सो अब आपको यहाँ पर जो मैंने मॉडल खरीदा था वो आपको इम्पोर्ट करना है इधर अपनी वर्ल्ड में। तो आपको सिंपली इधर जाना है, आपको देख सकते हो आपका मिल जाएगा यहाँ पर एरोप्लेन वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको सिंपली देखो 3 यहाँ पर क्यूब देख रहे हो, उसको सिंपली लॉन्ग प्रेस करके कॉपी टू वर्ल्ड कर देना है एंड आपका जो भी मॉडल होगा ये सिर्फ प्लेन है, बाकी आप जो भी मॉडल आप लेते हो वो आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का इम्पोर्ट हो जाएगा। गाइस थोड़ा सा मेरा मोबाइल लैग हो रहा है क्योंकि मेरा मोबाइल इतना अच्छा तो नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो हमारा जो प्लेन है वो आ चुका है एंड आप सिंपली उसको अब यहाँ पे 3D टूल्स दी हुए, इसको आप उससे आप रोटेट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो एंड उसको स्केल कर सकते हो, यानी छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो प्लेटफॉर्म को थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ ताकि जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ा लगे और अपना जो जहाज उस पर रन कर सके इजीली। सो गाइस मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म को बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा करने इसलिए मैं यहाँ पर नंबर टाइप करके लिखूंगा। तो यहाँ पे 100 की इसकी जो एक्स साइड होगी एंड हमारी जो 100 की इसकी वाई साइड होगी, नहीं 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 100 की वाई साइड नहीं होगी, इसको हम वापस फिक्स करेंगे। बाकी जेड साइड भी हमारी 100 की होगी, 180 की नहीं 100 की, ठीक है। एंड गाइस मैं इसको 1 कर देता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो अपना जो प्लेटफॉर्म है बड़ा हो चुका है एंड अपना जहाज देखो यहाँ पे कितना छोटा सा है, यहाँ पर इजिली रन कर सकता है अच्छी तरीके से। सो गाइस हमारा गेम रेडी हो चुका है, अब हम इसको एपीके में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली चले जाना है, आप देख सकते हो एकदम लास्ट थर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा एपीके वाला, आपको सिंपली उधर पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले लॉन्चर नेम है, यानी जो लॉन्च कर रहा है आपको उसका नाम लिख देना है, Z8Live उसका लॉन्च कर रहा है। कंपनी नेम .com लिख दिया, बाकी मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, लाइक मेरा जो रियल नेम है वो जैन है तो मैं वो लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ऐप नेम लिख सकते हो, ऐप नेम का आप कुछ भी नेम लिख सकते हो, यानी हमारा जो ऐप नेम है वो बॉल गेम, यानी बॉल का गेम है। वर्जन डाल सकते हो, वर्जन का इसमें आप अपडेट भी कर सकते हो गेम को, अगर आप चाहो तो अपडेट कर रहे हो तो इसको अपडेट करते रहते हो और अपडेट करते हो वर्जन को, अब इस तरह इंक्रीज कर लेना, मैं 1 ही कर देता हूँ। और यहाँ पे वर्जन नेम को भी आप यहाँ पर क्या इंक्रीज कर सकते हो कि कौन सा वर्जन है ये। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन देख लेना है, मैं यहाँ पे दोनों पे टिक कर लेता हूँ, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्मेट क्या होगा, एपीके होगा, एवीवी होगा, तो मैं एपीके पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ल्ड डाल लेनी, वर्ल्ड डाल देते हैं हम लोग फटाफट से। फाइल्स पे जाना है, फाइल्स पे जाने के बाद आपको जाना है वर्ल्ड पे, उसके बाद आपको वर्ल्ड पे जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करके इसको डन कर देना है, यहाँ पर आपका वर्ल्ड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिक और एक्सप्रेस होगा, मैं बेसिक पे कर देता हूँ। यहाँ पर आपको 20 कॉइन्स देख के बिल्ड एपीके पे क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो मेरे को मैसेज आ चुका है यहाँ पर सेंड, वी विल नोटिफाई यू व्हेन द प्रोसेस इज ओवर, यानी जब ये प्रोसेस एपीके बनाने का कंप्लीट होगा हमें ये मैसेज आ जाएगा। एंड मैसेज कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो फटाफट से थोड़ा सा वेट कर लेते। गाइस फाइनली आधे घंटे के बाद जाके हमारा एपीके बन के तैयार हो चुका है, आपको सिंपली क्लाउड बिल्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर सेकंड लास्ट वाले टैब पे, आपको सिंपली उधर चले जाना है, यहाँ पर आपका एपीके यहाँ पर ये रहा एंड सिंपली आपको उसको ओपन कर लेना है। सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो है ब्राउजर खुल जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सा ब्राउजर पे आप इसको ओपन कर सकते हो, मैंने क्रोम पे करा है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा डाउनलोड का एक बटन, तो आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपका डाउनलोडिंग स्टार्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर 1 मिनट बता रहा है, यहाँ पर आपको जितना भी आपका जो नेट होगा वो उस पर डिपेंड करता है, अगर आपका नेट अच्छा है तो जल्दी होगा वरना देर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डाउनलोडिंग हो रहा है, अब इसको ओपन करके चलाना वगैरह तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकती क्योंकि यार इसमें मैंने कोई गेम वेम तो बनाया नहीं है, बट जैसे आपको ओपन करोगे उस गेम को आपको यहाँ पर इस मैजिक का थोड़ा सा एक लोगो दिखेगा और यहाँ पर आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा जिस तरह का आपने गेम बनाया होगा। सो यहाँ पर हो चुका है पूरा सब कुछ हो चुका है। सो गाइस आई नो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बट गाइस अगर आपको इससे भी इजी ऐप चाहिए और उससे भी आप गेम बना के एपीके में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मेरी जो नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो है वो ऐसे ऐप पे है जिसे आप इजीली गेम बना सकते हो और उसको एपीके में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मिस ना कर दो उस वीडियो को। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसने नहीं करा वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।